नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो चर्चा की थी आर्टिकल 83, अनुच्छेद 83, आर्टिकल 84, अनुच्छेद 84 और आर्टिकल 102, हमने देखा था। आर्टिकल 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में, उसके साथ साथ हमने आर्टिकल 84 में देखा संसद का सदस्य बनने की योग्यता और उसके बाद हमने देखा डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कि कोई भी सांसद या संसद का सदस्य कब डिस्क्वालिफाई किया जाएगा। और उसके साथ साथ कल हमने दल बदल विरोधी अधिनियम देखा और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में चर्चा की। आज हम लोग इसी के आगे कुछ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। स्टार्ट हम कुछ नई चीज़ों से करते हैं, जैसे कि संसद के पदाधिकारियों से संबंधित। तो आज का टॉपिक जो है वो संसद का पदाधिकारी है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण तो सभी टॉपिक्स होते हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें संसद के पदाधिकारी, अब संसद के पदाधिकारी कौन कौन होंगे देखेंगे। पहले हमने बताया आर्टिकल 79 में ही चर्चा कर ली थी कि संसद जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। तो यहाँ पर जो संसद के पदाधिकारी होंगे वो मुख्यतः लोकसभा और राज्यसभा से होंगे। तो एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं लोकसभा, ये हाउस ऑफ पीपल्स की बात की, और ये राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं लोकसभा में दो पदाधिकारियों की चर्चा की गई है, कौन कौन, अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। इसी तरह राज्यसभा में किसकी चर्चा की गई दो पदाधिकारियों की, कौन कौन से पदाधिकारी होंगे राज्यसभा में, सभापति और उपसभापति। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, हमने जब उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी तो हमने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इनकी चुनाव की प्रक्रिया वही हमने डिस्कस की, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष विधि के द्वारा और वगैरह वगैरह, इनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा की। लेकिन जो बचे अब तीन लोग हैं, कौन कौन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति, इन तीनों का निर्वाचन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और इनकी शक्तियों के बारे में कि इनकी शक्तियाँ, अध्यक्ष और अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति होते हैं, इनको संसद के सदस्य आपस में ही चुन लेते हैं। अब आपस में चुनने का मतलब है, अब लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, अध्यक्ष जो होंगे वो जो पार्टी चुनाव जीत कर आई होगी उससे चुने जाएंगे। और भारत में एक परंपरा बन गई है कि अध्यक्ष पक्ष का होता है, मतलब सरकार से होगा, तो उपाध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का हो जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन से संबंधित हो जाता है। तो हम यहां देख लेते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके साथ साथ उपसभापति। सभापति के बारे में चर्चा कर ली है, उपसभापति, इनका जो चुनाव होता है वो सदस्य जो होंगे संसद के सदस्य, सांसद आपस में, सदस्यगण आपस में मिलकर चुन लेते हैं। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये तो चुनाव की प्रक्रिया होगी,
और इनको हटाया कैसे जाएगा, पदमुक्ति कैसे होगी, तो यहां पर बात करेंगे जब पदमुक्ति होगी तो अगर अध्यक्ष को हटाया जाना है या उपाध्यक्ष को या उपसभापति को, तीनों ही लोगों को प्रभावी बहुमत के द्वारा हटाया जाएगा, प्रभावी बहुमत। अब प्रभावी बहुमत की चर्चा भी हमने की थी, किस तरीके से प्रभावी बहुमत की, हमने कहा कि जैसे सपोज करिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543, दो सीटें एंग्लो इंडियन वाली खत्म हो गई 543, और यहां पर हम कहते थे रिक्ति 13 सीटें एक एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से, या इसको और कम करके हम 23 कह देते हैं, 23 सीटें रिक्त हैं। तो प्रभावी बहुमत क्या होगा, प्रभावी बहुमत का मतलब होगा इसमें से इसको निकाल के 543 में से 23 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा 520 आ जाएगा। तो 520 का आधे प्लस 1 मतलब 2 2 4, 2 6 12 और 0, 261 जो वोट पड़ेंगे इनके अगेंस्ट में प्रभावी बहुमत से, तब अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उपसभापति का पद मुक्त हो जाएगा, ये मतलब कि हटा दिए जाएंगे। तो ये हमने निर्वाचन की विधि, सदस्यगण आपस में मिलकर चुन लेते हैं, और हमने ये बात की अध्यक्ष पक्ष से होगा, मतलब जिसकी जिस पार्टी की सरकार बनती है तो हम इसको पक्ष कह देते हैं, और उपाध्यक्ष कहाँ से होंगे, वो अपोजिशन से होंगे। अपोजिशन का मतलब हमने बताया कि जो विपक्ष की पार्टी होगी उससे चुन के आएंगे। तो ये हमने कुछ चीजें देखी, अब इसी से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब हम लोग बढ़ते कि अनुपस्थिति के बारे में सीखते हैं कि अगर अध्यक्ष साहब अनुपस्थित होते हैं तो उनकी जगह पर कार्य कौन करता है, कार्य और शक्तियों के बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन पहले हम देख लेते हैं अनुपस्थिति से संबंधित। हम बात करेंगे पहले लोकसभा की, लोकसभा की बात, और वो भी किससे, अनुपस्थिति से। यहां पर दो टर्म प्रयोग हुए हैं, अनुपस्थिति और रिक्ति। रिक्ति का मतलब पद ही, मतलब कि जो व्यक्ति इसके लिए चुना गया था वो नहीं रहा, एक्सपायर कर गया, त्यागपत्र दे दिया कुछ और कारणों से। और अनुपस्थिति का मतलब है कि स्वास्थ्य खराब है या किसी फंक्शन पार्टी में चले गए हैं तो वो अब्सेंट हो गए, जैसे स्कूल में अब्सेंट हो गए, विद्यालय अगर हम मान के चलें तो बच्चा अब्सेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो विद्यालय में है ही नहीं, लेकिन अगर हम रिक्ति की बात करेंगे तो वो विद्यालय में ही नहीं। तो कहने का मतलब है अनुपस्थिति और रिक्ति दोनों अलग अलग हैं। अनुपस्थिति वो उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हो सकती है, या फिर अगर हम बात करें कि अनुपस्थिति इसकी वजह से भी हो सकती है कि वो किसी फंक्शन में चले गए हों। तो हम देखते हैं कि अगर अध्यक्ष साहब अनुपस्थिति हैं, अनुपस्थित हैं, मतलब लोकसभा में जो अध्यक्ष साहब हैं, स्पीकर साहब हैं, वो अनुपस्थित हैं, तब क्या होगा। तो हम देखेंगे कि अध्यक्ष जी का काम कौन करेगा, उपाध्यक्ष जी। ये सिंपल सी चीज थी। अब मानिए उपाध्यक्ष जी भी अनुपस्थित हो गए, अगर उपाध्यक्ष जी भी अनुपस्थित हो गए तब कौन काम करेगा। तो हम देखेंगे यहां पर 10 सदस्यीय पैनल एक चुना जाता है। अब 10 सदस्यीय पैनल कौन चुनेगा, वो अध्यक्ष साहब चुनते थे कि 10 सदस्यीय पैनल। अब 10 सदस्यीय पैनल में हम देखेंगे कि वरीयता से लोग चुने जाएंगे, वरीयता से, ठीक है। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होंगे तो 10 सदस्यीय पैनल में वरीयता से लोग चुने जाएंगे। अगर मानिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 सदस्यीय पैनल के सारे सदस्य अनुपस्थित हैं तो हम कहेंगे यहां पर फिर लोकसभा क्या करेगी, आपस में ही किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेगी, और अध्यक्ष चुन लेगी तो उस दिन की सारी जो कार्यवाही होगी सदन की वो उसी के माध्यम से की जाएगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 सदस्यीय पैनल की अनुपस्थिति में संसद के जो सदस्य होंगे वो आपस में ही किसी एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लेंगे तो वो उस दिन की कार्यवाही के लिए अपना
अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर रिक्ति होती है तो हम रिक्ति की बात करेंगे, अध्यक्ष साहब अपना त्यागपत्र किसको देंगे, उपाध्यक्ष साहब को, उपाध्यक्ष साहब त्यागपत्र अपना किसको देंगे, अध्यक्ष साहब को। अगर मानिए कि ये दोनों, मतलब कि अगर एक ऐसा टाइम है कि उपाध्यक्ष साहब नहीं है तो अध्यक्ष साहब, या अध्यक्ष साहब ने अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे दिया है और उपाध्यक्ष को भी उसी समय त्यागपत्र देना है तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति साहब को सौंपेंगे। तो हम देखेंगे कि त्यागपत्र मतलब रिक्ति की संभावना में, जब रिक्ति होगी तो अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष साहब लेंगे, और अगर ये दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो हम देखेंगे यहां पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वरिष्ठतम सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वरिष्ठतम सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वरिष्ठतम सदस्य को क्या बनाया जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। हम देखेंगे कि अगर ये दोनों अनुपस्थित होंगे तब ये प्रक्रिया चलती है। ये लोकसभा के प्रक्रिया के बारे में हमने डिस्कस किया कि अनुपस्थिति और रिक्ति से संबंध। अब इसी तरह राज्यसभा के बारे में ही सीख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, लोग भूल जाते हैं कि 10 सदस्यीय पैनल कब होगा अनुपस्थिति में, और यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पास सीधा राष्ट्रपति वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त कर देंगे। चलिए हम इससे आगे सीख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में सभापति साहब होंगे, सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, पदेन अध्यक्ष होंगे राज्यसभा के। सभापति के बाद में उपसभापति, और उपसभापति के बाद में 6 सदस्यीय पैनल होगा, 6 सदस्यीय पैनल होगा कार्यवाही के लिए, कि अगर उपराष्ट्रपति और यानी कि सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में 6 सदस्यीय पैनल के द्वारा कार्य किया जाएगा। तो पहले हम अनुपस्थिति से संबंधित राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं, राज्यसभा और किसकी चर्चा होने जा रही, अनुपस्थिति से। और हम यहां पर दोनों एक साथ में सीखेंगे, अनुपस्थिति और रिक्ति। अनुपस्थिति में हमने बताया पहले, अभी चर्चा की, कि सभापति होंगे पहले, सभापति अगर त्यागपत्र अपना दे देंगे तो उपसभापति बन जाएंगे, और सभापति और उपसभापति दोनों ने अगर अपना त्यागपत्र दे दिया तो 6 सदस्यीय पैनल होगा, और पैनल में वरीयता से लोग बनेंगे, वरीयता क्रम से बनेंगे, उपसभापति के रूप में कार्य करेंगे। और अगर सभापति, उपसभापति और 6 सदस्यीय पैनल तीनों की अनुपस्थिति हो जाती है तो हम यहां पर हम कहेंगे, तीनों का मतलब है कि 6 ये 7 8, अगर 8 सदस्यों की, ये 8 लोगों की अनुपस्थिति हो जाएगी तो राज्यसभा में साधारण बहुमत से जो व्यक्ति को चुन लिया जाएगा आपस में ही, उसको उस दिन के लिए सभापति घोषित कर दिया जाएगा। तो ये राज्यसभा की अनुपस्थिति से संबंधित, अब्सेंस से संबंधित बात रही। अब रिक्ति से संबंधित बात कर लेते हैं। रिक्ति होने पर अगर सभापति त्यागपत्र दे दिए हैं, यहाँ पर त्यागपत्र की बात नहीं थी, ये अब्सेंस की, मतलब ये छुट्टी पर हैं, हॉलीडे पर। छुट्टी पर का मतलब समझिए क्या है, छुट्टी का मतलब है कि ये फंक्शन में भी किसी जा सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, मान लीजिए बुखार से बीमार है या कोई और प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गए, 1-2 महीने तक नहीं आ पाए, तो इस तरीके की अनुपस्थिति की बात हो रही। और रिक्ति के की अवस्था में वो एक्सपायर कर गए या त्यागपत्र दे दिए, तो हम देखेंगे सभापति अगर त्यागपत्र दे देंगे तो उपसभापति बन जाएंगे, और उपसभापति भी अगर त्यागपत्र दे देंगे, मतलब ये दोनों पद अगर खाली हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा फिर नियुक्त होगा व्यक्ति, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। और राष्ट्रपति नियुक्त किसको करेगा, सामान्यतः ये होता है वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त किया जाएगा, वरिष्ठतम सदस्य जो होगा राज्यसभा का उसको सभापति के रूप में नियुक्त किया जाएगा कार्यवाही के लिए। तो ये हमने अनुपस्थिति और रिक्ति से संबंधित कुछ प्रावधानों को देखा। अब यहीं पर हम, ये तो हो गए हमारे सांसद महोदय से संबंधित बातचीतें कि सांसद महोदय के बीच में। अब देखिए हमारे सांसद भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिनको ABCD का ए बी, और हमारे जो काखा गाघा होता है उसका का तक नहीं पता होता है, तो बहुत ही योग्य व्यक्ति होते हैं, कहने का मतलब अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति भी पहुंच जाते हैं, और
कैरेक्टर तो सबका पता ही होता है लगभग लगभग किस तरीके के चरित्र के लोग संसद में पहुंचते हैं, मतलब सांसद के लिए चुने जाते हैं। तो यहां पर उनको सहायता के लिए व्यवस्था की गई संविधान में। अब व्यवस्था की गई है तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लोकसभा में व्यवस्था के लिए कहा गया है कि एक सचिवालय होगा जिसका प्रमुख होगा महासचिव ऑफ लोकसभा। इसी तरह से राज्यसभा में भी एक सचिवालय होगा जिसका प्रमुख कौन होगा? महासचिव ऑफ राज्यसभा। तो हम बात कर लेंगे यहाँ पर दो पदाधिकारियों। लोकसभा में एक सचिवालय होगा, ये सचिवालय हो गया, और सचिवालय का प्रमुख कौन होगा? हम कहेंगे कि महासचिव ऑफ लोकसभा, महासचिव लोकसभा। ये एक पदाधिकारी, ये हम बात करेंगे ऐसे पदाधिकारी होंगे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मतलब कि सीनियर आईएएस अधिकारी के तरीके से होंगे। और राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा में भी एक सचिवालय होगा और यहाँ का जो महासचिव होगा वो महासचिव राज्यसभा कहलाएगा। हमने इसके बारे में ये भी सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होगा, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स होगा, नौकरशाही से चुन के आएगा। हमने इनके बारे में चर्चा की थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर इसके बारे में डिटेल में देखना है तो इनका पार्टिसिपेशन होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये चीज़ें हमने कुछ डिस्कस की। अब हम लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सीख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या होंगी। देखिए लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां होंगी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा, या पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। अब देखिए शक्तियों के बारे में बहुत सारी शक्तियां होती हैं इसके पास, तो हम बारी बारी से देख लेते हैं क्या क्या शक्तियाँ होती। देखेंगे कि ये जो अध्यक्ष साहब होंगे वो सदन में प्रक्रिया का संचालन करेंगे। प्रक्रिया का संचालन करने का मतलब क्या है? अब मान लीजिए किसी प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, बातचीत होनी है, अब बातचीत होनी है तो टाइम अलॉट करेंगे सांसद महोदयों को जो लोकसभा में होंगे। और सपोज करिए कि किसी व्यक्ति के लिए 2 मिनट, किसी व्यक्ति के लिए 5 मिनट, किसी के लिए 4 मिनट, तो इस तरीके के जो प्रक्रियाएं होंगी वहां पर, तो इसकी निर्धारण कौन करेगा? ये अध्यक्ष साहब करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बात कर दें कि ये जो प्रक्रिया होगी वो न्यायालय की प्रक्रिया से बाहर होगी या न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर। अब यहाँ पर जो प्रक्रिया पालन की गई है इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसका मतलब यही है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी शक्ति के बारे में देखें तो यही साहब जो हैं अध्यक्ष साहब या स्पीकर साहब, ये अनुशासन को भी बनाएंगे। अनुशासन को मतलब आप समझिए अनुशासन किस तरीके से बनता है, कहने का मतलब अनुशासन जो डिसिप्लिन होगा वो अध्यक्ष साहब के द्वारा बनाया जाएगा। इसके साथ साथ देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण पावर, किसी विधेयक को धन विधेयक या वित्त विधेयक कौन अनाउंस करेगा? वो अध्यक्ष साहब करेंगे। अध्यक्ष साहब कहेंगे कि कोई व्यक्ति है, यानी कि कोई प्रस्ताव है जिसको धन विधेयक के रूप में पारित कर दिया गया, तो उस पर जानते हैं कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में पारित होता है तो उस पर ज़्यादा सजेशन सुलह, मतलब कि जो राज्यसभा का अधिकार थोड़ा कम पड़ जाता है, तो विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो अध्यक्ष साहब का। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम ये भी कहें कि अगर दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष महोदय करेंगे, लोकसभा के स्पीकर ऑफ लोकसभा ये करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि ये साहब जो हैं वो किसी प्रस्ताव पर, अगर हम बात करें किसी प्रस्ताव पर प्रथम मत नहीं डालेंगे,
प्रथम मत न डालने नहीं डालेंगे, लेकिन इसका निर्णायक मत डालेंगे। अब निर्णायक मत समझ लेते हैं होता क्या है, ये टर्म आ गया इंपॉर्टेंट हो जाता है। निर्णायक मत की जो इंग्लिश है वो कास्टिंग वोट होती है, तो हम यहाँ निर्णायक मत के बारे में सीख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। निर्णायक मत ऐसा होता है कि सपोज करिए कि कोई एक प्रस्ताव है जिस पर आधे आधे सदस्य जो हैं 50% वोट पक्ष में और 50% लोग विपक्ष में, तो ऐसी स्थिति में जो इनका मत होगा वो निर्णायक होगा कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष साहब जो हैं वो पक्ष में चले जाएंगे तो पास आउट पास हो जाएगा, और अगर विपक्ष में चले गए तो वो फेल हो जाएगा। मतलब अब देखिए इसको, किसी प्रस्ताव के 50-50% होने की स्थिति में, 50-50% का मतलब क्या है, ये पक्ष में और विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष में जब हो गए अगर इनका वोट कास्टिंग में पड़ गया तो ये पारित हो जाएगा, और अगर इनका वोट इस तरफ पड़ गया तो ये पारित नहीं होगा। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है यहां पर कि प्रस्ताव में प्रथम मत नहीं डालते हैं लेकिन निर्णायक मत डालते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो एक अपवाद है इसका। अपवाद क्या है, अपवाद यह है कि अगर मान लीजिए अध्यक्ष साहब को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, ये स्पीकर हैं लोकसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और इनके कुछ कृत्यों से ये पता चला कि इनको सदन से लोकसभा की अध्यक्षता से हटाना है, पद से हटाना है, अध्यक्ष पद से, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी तो ये इस मिस्टर एक्स स्पीकर पद पर नहीं रहेंगे, वो एक सामान्य सांसद हो जाएंगे, सामान्य सांसद जैसे अन्य होते हैं। अब सामान्य सांसद की स्थिति में हम देखेंगे कि जब प्रस्ताव लाया जाएगा, हमने बताया कि प्रभावी बहुमत से हटाए जाते हैं, तो जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो इन पर ये वोट कर सकते हैं, वो पक्ष में दें या विपक्ष में, हालांकि सभी लोग अपने पक्ष में ही बचाव करते हैं। तो इस प्रक्रिया, अपवाद क्या है कि जब लोकसभा के स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया चलेगी तो उस दौरान ये जो मतलब कि स्पीकर साहब होंगे वो प्रथम मत डालेंगे, निर्णायक मत नहीं डालेंगे। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, अगर संसद सदन का सत्र चल रहा है यानी कि बैठक चल रही है, अब बैठक चल रही है, बैठक की चलने की स्थिति में वो स्थगन होता है। देखिए स्थगन किस लिए किया जाता है, हम बातचीत करते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छा टर्म्स आया स्थगन। सत्र के दौरान, देखिए शक्तियों में ही हम चल रहे हैं, सत्र के दौरान बैठकों का स्थगन करते हैं। स्थगन दो प्रकार का होगा, अब देखेंगे यहां पर दो प्रकार का स्थगन क्या क्या होगा। एक होगा साधारण स्थगन, और दूसरा होगा साइन डाई। अब यहां पर दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। साधारण स्थगन का मतलब है, सपोज करिए कि बैठक चल रही है, बैठक में कोई प्रस्ताव है, अब एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं, सपोज करिए कि कोई किसी प्रस्ताव पर, या मान लीजिए डीएनए पर बातचीत हो रही है, डीएनए के अधिनियम से संबंधित कुछ चर्चा चल रही है, और इस पर चर्चा समाप्त हो गई है या इस पर अब विचार नहीं बन रहा है, तो अध्यक्ष साहब बोल देंगे कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे के बाद किसी दूसरे प्रस्ताव पर, वो बायोमेट्रिक भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, मतलब जो भी एग्जाम्पल काल्पनिक है, तो हम इस तरीके से कहेंगे कि किसी दूसरे मतलब कि दो प्रस्तावों के बीच में कुछ समय दे सकते हैं, वो समय जो होगा वो मिनट में हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, और महीने में भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि साधारण स्थगन की स्थिति में पहले से आगे की जो कार्यवधि होगी, आगे की जो परिचर्चा होगी, उसका निर्धारण समय और तिथि का निर्धारण कर दिया जाता है, समय तथा तिथि का निर्धारण कर दिया जाता है, ठीक है। अब सपोज करिए साइंडाई स्थिति कब बनेगी, साइंडाई स्थिति ऐसी बनेगी, अब मान लीजिए कि
पक्ष में एक नेता जी हैं, मिनिस्टर साहब हैं, मंत्री जी ने बड़ा घोटाला करप्शन कर लिया और करप्शन बहुत सारे चल ही रहे हैं वर्तमान में भी, तो करप्शन जब कर लिया और इसको सांसद महोदयों के द्वारा उजागर कर दिया गया। अब उजागर कर दिया गया तो अब मान लीजिए विपक्ष के जो सांसद हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं वो ऐसी मांग कर रहे हैं कि मंत्री के द्वारा इस्तीफा दिया जाना चाहिए, और अगर इस्तीफा वो नहीं देता है कुछ समय में तो अध्यक्ष महोदय साइन डाई अनाउंस कर देते हैं। अब साइन डाई अनाउंस करने के बाद होगा क्या? साइन डाई का मतलब है अगली जो परिचर्चा होगी यानी कि बैठक जो होगी उसका समय और तिथि कुछ भी निर्धारित नहीं है कि समय और तिथि कब होगी पता नहीं। ये पता कैसे चलेगा? गैजेट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, दुनिया भर का और खर्चा बढ़ता है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ देख लें तो प्रक्रिया में होता क्या वास्तविकता में? वास्तविकता में ये होता है कि जब साइन डाई अनाउंस कर दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तो ऐसी स्थिति में सदन के बाहर प्रक्रियाएं होती हैं। बाहर प्रक्रियाएं का मतलब सरकार के लोग विपक्ष से बातचीत करते हैं, मिलते हैं और आपस में मान मनोवल होता है, वो बार्गेनिंग की स्थिति, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे टाइप की सिचुएशन होती। तो फिर जब दोबारा बैठक करना होगा, चर्चा करनी होगी, परिचर्चा करनी होगी, तब जो अध्यक्ष महोदय होंगे वो गैजेट के द्वारा, न्यूज़पेपर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से सांसदों को सूचना देंगे कि इस तारीख को, फला फला तारीख को, फला तिथि को, इतने बजे परिचर्चा आयोजित की गई है, तो वहाँ पर आएंगे बातचीत करने के लिए। तो हमने यहाँ पर बैठकों के बारे में देखा, तो बैठकों में हमने बेसिकली देखा कि स्थगन प्रस्ताव, साधारण स्थगन होता है, और साइन डाई। साइन डाई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, साधारण स्थगन तो तक तो ठीक है कि दो प्रस्तावों के बीच में मान लीजिए थक गए हो सांसद महोदय चर्चा करते करते, तो उनको चाय पानी नाश्ते के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं करने के लिए दिन की, वो भी दिया जा सकता है समय। अब हम बात करें कि वह सदन की गुप्त बैठक की अनाउंस करेगा। अब स्पीकर की बात हो रही है, स्पीकर की बात हो रही, स्पीकर कहां पर होंगे? हमने बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। तो अगर सदन मतलब लोकसभा की बात हो रही कि गुप्त बैठक को बुला सकता है, अब गुप्त बैठक का मतलब क्या होगा समझिए। गुप्त बैठक का मतलब ये होगा, या ये जो चर्चा परिचर्चा होगी जब सामान्य हो रही होती है, किसी सामान्य विषय पर जब सदन में चर्चा चल रही होती है, तो हम देखते हैं वहाँ पर दर्शक दीर्घा में लोग उपस्थित होते हैं, उनको अनुमति दी जाती है कि आप लोग जाइए सदन की कार्यवाही को देख सुन सकते हैं। लेकिन जब मान लीजिए कोई ऐसा विषय चल रहा है कि जो आम लोगों से दूर रखना है अभी, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अध्यक्ष साहब ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि गुप्त बैठक बुलाई जाएगी, यहाँ पर केवल सांसद महोदय आएंगे। सांसद महोदय का मतलब आम जनमानस वहाँ पर नहीं जाएगा उस बैठक में सुनने के लिए, देखने के लिए। तो ये इस तरह की जो बैठक होगी वो गुप्त बैठक होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोगों की बात हो रही है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, अगर किसी संसदीय समिति के सदस्य बनाए जाएंगे, तो वो स्वतः ही, उस समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं, चेयरपर्सन हो जाएंगे। तो ये इनकी शक्तियों, कुछ शक्तियों के बारे में देखा। यहाँ पर अब हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। जब पदाधिकारी को पढ़ रहे हैं तो डिटेल में ख़त्म ही कर देते हैं इसको। हम यहाँ पर देखेंगे पिछली लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो तब तक अध्यक्ष पद पर बना रहेगा जब तक कि जो नई गठित लोकसभा है वो अस्तित्व में मतलब कि नहीं आ जाती, यानी कि पहली बैठक तक। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नई लोकसभा के
पहली बैठक तक वो पद तक बना रहता है, पहली बैठक तक वह पद पर बना रहता है। अब मान लीजिए कि नई लोकसभा बन गई, अब मानिए कि 17th लोकसभा, 70वीं लोकसभा बन गई, पहली बैठक हो गई, पुरानी लोकसभा के जो अध्यक्ष साहब थे वो हट गए, तो यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होगा? देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाएगी, और तथा ये वास्तविकता में राष्ट्रपति जब नियुक्त करेगा तो ध्यान देगा कि ये वरिष्ठतम सदस्य होंगे। अब वरिष्ठतम सदस्य होंगे, प्रोटेम स्पीकर होंगे, इनके कार्य क्या होंगे? ये जो नई गठित लोकसभा है, नई गठित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाना, और उसके साथ साथ हम बात करें लोकसभा स्पीकर का चुनाव करवाना। अब हम ध्यान देंगे, मतलब जो सांसद होंगे लोकसभा के, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा होंगे, उनको शपथ कौन दिलवाएगा? तो उनकी शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाएगी, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ये यहाँ पर ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा वरिष्ठतम सदस्य के रूप में, या जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको किया जाता है, और उसकी शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति किसी अन्य सांसद को सदस्य नहीं दिलाएंगे। तो अन्य सांसदों को शपथ कौन दिलाएगा? अन्य सांसदों को शपथ प्रोटेम स्पीकर साहब दिलाएंगे। ये मुख्यतः जैसे ही स्पीकर का साहब का मतलब कि चुनाव हो जाता है, जैसे कि हम देखेंगे कि जो वर्तमान समय में लोकसभा चल रही है, इसमें हम देखेंगे कि वीरेंद्र कुमार जो थे, इनको बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। अब वीरेंद्र कुमार के बाद सदस्यों ने आपस में से ओम बिड़ला को क्या चुन लिया? लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष चुन लिया। तो ये लोग आपस में, फिर इनका पद समाप्त हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर का, और ओम बिड़ला का पद, अध्यक्ष का पद अस्तित्व में आ जाएगा। ये चीज़ें हमने देखी आज। आज हमने संसद की जो हमने महत्वपूर्ण बातें चर्चा की, पदाधिकारी कौन कौन होंगे देखा, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, इसके साथ साथ लोकसभा के जो अध्यक्ष की शक्तियां होती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, उनको किस तरीके से नियुक्त किया जाता है इसके बारे में डिस्कशन किया, उनकी पदमुक्ति किस तरीके से की जाती है, अनुपस्थिति और रिक्ति के क्रम में क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 85 में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 85 बेसिकली संसद के सत्रों के बारे में कहता है, और ये कहता है कि अनुच्छेद 85 जो है, आर्टिकल 85 ये कहता है कि संसद के दो सदनों के मध्य अधिकतम जो गैप हो सकता है वो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, और जो सदन वर्तमान में चलते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।